द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गौतम अडानी को हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। जिस पोर्ट के बूते अडानी अपने आप को इतना आगे बढ़ा पाए, जहां पर उन्हें जमीन गुजरात सरकार ने मनमाने ढंग से सौंप दी, अब उस जगह को लेकर ऐसा विवाद छोड़ा कि गुजरात हाईकोर्ट ने अडानी साहब पर बड़ा हंटर चला दिया है। जी हां, मोदी जी के बहुत ही चहेते, बहुत ही खास उद्योगपति गौतम अडानी, जिनका कारोबार बीते 10 सालों में रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ा, फिर बीच में बुरा दौर भी आया जब हिंडनबर्ग ने उन पर खुलासा किया था। लेकिन अब इस गौतम अडानी की मुसीबतें बढ़ रही हैं गुजरात में ही। मुंद्रा पोर्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, यह एक ऐसा पोर्ट है जिसने गौतम अडानी के उद्योग को सबसे अधिक ताकत दी। मुंद्रा एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर ड्रग्स की सप्लाई पकड़ी जाती है, यहां पर बहुत बड़ा धंधा चलता है, जिसको लेकर राहुल गांधी से लेकर कई बड़े नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं कि गौतम अडानी मुंद्रा पोर्ट पर सब कुछ प्राइवेट करके क्या करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच जो इस वक्त हाईकोर्ट का आदेश आया है, वो गौतम अडानी की परेशानी बढ़ा देने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा है मुंद्रा पोर्ट की जो जमीनें गौतम अडानी को दी गई हैं, उसे वापस ले ली जाए, क्योंकि इस मामले में एक PIL दाखिल किया गया था और इसमें कहा गया था कि गौतम अडानी के पास जो जमीनें गई हैं वो चारागाह की जमीनें हैं। और ऐसे में इस वक्त मुंद्रा के उस इलाके में हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पशुओं के चारा के लिए 45 एकड़ ही भूमि बची है। यह चारागाह की इतनी कमी हो गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट इस मामले में बड़ा आदेश आखिरकार एक दशक के बाद जारी कर पाया है, जिसमें यह बड़ा आदेश है बीजेपी सरकार को कि अब आप गौतम अडानी से यह जमीन छीनने का संकल्प पूरा करें। क्या मैटर है, क्या विवाद है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। दरअसल गौतम अडानी का कारोबार हर सेक्टर में फला फूला है। ऐसे में कहा जाता है कि बिना मोदी जी के सपोर्ट के यह इनके लिए संभव था भी नहीं। फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे हो या FMCG हो, हर जगह गौतम अडानी ने अपने पांव जमाए। सीमेंट फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ कब्जा भी इन्होंने किया, कईयों का अधिग्रहण कर लिया और फिर वो सीमेंट फैक्ट्री भी अब गौतम अडानी चलाते हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, हर जगह गौतम अडानी ही छाए हैं, हर जगह वही हैं। तेल, गैस, बिजली, कहां आप ढूंढेंगे, नजर दौड़ाएंगे, हर जगह गौतम अडानी ही आपको दिखेंगे। लेकिन इस बीच जो मुंद्रा इनका सबसे बेस बिजनेस है, यहां पर जिस तरीके से सरकार ने इन्हें जमीनें सौंप दी कि जाइए उद्योग करते रहिए, भले ही इसके साइड इफेक्ट कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाईकोर्ट को फर्क पड़ा है। 10 साल बाद ही सही, लेकिन गौतम अडानी से जमीन वापस लेने का फैसला किया गया है। यहां देखिए, कहा जा रहा है गुजरात हाईकोर्ट ने मुंद्रा तालुका के नवीनल गांव में चारागाह भूमि आवंटन को लेकर 13 साल से चल रहे विवाद पर राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अडानी पोर्ट और ASEZ लिमिटेड APSEZL से जमीन वापस लेने के अपने संकल्प को पूरा करें। यह मामला क्या है, 2011 में जब यह मामला सामने आया था तो फिर क्या कहा गया था, 2011 में कहा गया था कि नवीनल के ग्रामीणों ने 2005 में मुंद्रा पोर्ट और SEZ लिमिटेड, अब APSEZ लिमिटेड को 231 एकड़ चरागाह भूमि आवंटित करने को एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। ग्रामीणों की ओर से पेश हुए वकील आनंद याग्निक ने तर्क दिया कि इस आवंटन से उनके मवेशियों के लिए चरागाह भूमि की कमी हो रही है, ऐसे में गौतम अडानी अपने उद्योग के चक्कर में पशुओं की जान ले लेंगे क्या। फिर यहां से मामला तूल पकड़ा तो गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करते करते 10 सालों के बाद फाइनली इस मामले को सीरियसली लेते हुए आदेश जारी कर दिया है।
कि बीजेपी सरकार को या जमीनें अडानी से छीनकर वापस तो करनी होगी इन लोगों को, उन ग्रामीणों को जिनके पास मवेशी हैं। ग्रामीणों का तर्क क्या था, एपीएससी जेडएल को जो जमीनें आवंटित की गई थी उसे वापस लेने के लिए क्या तर्क दिया गया था, जरा देखिए। कहा जा रहा है ग्रामीणों का तर्क था कि राज्य सरकार द्वारा एपीएससी जेडएल को 276 एकड़ भूमि में से 231 एकड़ भूमि आवंटित करने के निर्णय के बाद चरागाह भूमि की गंभीर कमी हो गई है। गांव में अब चरागाह के लिए केवल 45 एकड़ भूमि बची है जो गांव के मवेशियों के अनुपात से मेल नहीं खाती है। ग्रामीणों ने आगे तर्क दिया कि यह आवंटन अवैध था क्योंकि गांव पहले से ही चरागाह भूमि की कमी का सामना कर रहा था। राज्य सरकार के खुद के संकल्प के अनुसार चरागाह भूमि की अतिरिक्त मात्रा के बिना औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है, इस जमीन का निजीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सामुदायिक संसाधन है। तो फिर सरकार अपने ही आदेश से पलटती हुई मुकरती हुई दिखाई पड़ने लगी। लेकिन अब जब 10 सालों के बाद 11 सालों के बाद यह आदेश आने लगा, थोड़ी 13 साल मान लीजिए, 13 साल है यह पूरा आंकड़ा, 13 सालों के बाद यह अब डिटेल सामने आ गया है कि हाँ बीजेपी सरकार ने मनमाने ढंग से वह जमीन अडानी के नाम कर दी थी, तो अब उन्हें उस संकल्प पर वापस जाना होगा जिसमें चरागाह की भूमि अनावश्यक तौर पर किसी भी उद्योगपति को नहीं दी जा सकती है अगर वह मात्रा पर्याप्त ना हो तो। उस गांव में महज 45 एकड़ जमीन बची है जो चरागाह है, तो इससे मुसीबतें खड़ी हो रही थी। अब देखिए ग्रामीणों ने जब तर्क दिया तो यहां पर सरकार को यह निपटारा करना पड़ेगा और हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि ग्रामीणों को अतिरिक्त भूमि आवंटित करने के राज्य के वादे के आधार पर 2014 में जनहित याचिका का निपटारा कर दिया गया, लेकिन 2015 में राज्य सरकार द्वारा कम भूमि उपलब्ध होने का हवाला देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की गई थी। साथ ही अवमानना कार्यवाही सहित कई सुनवाई के बाद शुक्रवार को इस मामले में महत्वपूर्ण निर्देश सामने आया। हाईकोर्ट कई बार गुजरात सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी भेज चुका था, लेकिन इन सब के बावजूद भी सरकार सुन नहीं रही थी। फाइनली अब एक ऑर्डर जारी कर दिया गया है जिसमें यह साफ तौर पर मैसेज दिया गया है कि आपको एनी हाउ ग्रामीणों की वह भूमि वापस करनी होगी, अगर आप नहीं करते हैं तो एक्शन के लिए तैयार रहिएगा। फिर क्या हुआ कि हाँ विवाद आगे बढ़ता चला गया। जो अडानी के वकील थे वो इसका विरोध करने लगे कि 2 दशक के बाद हम इस मामले में कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, जबकि गुजरात हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल हैं और न्यायमूर्ति प्रणब त्रिवेदी की पीठ है, इसने इन हलफनामों की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार को अपने स्वयं के संकल्प को शीघ्रता से लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए कार्यवाही 24 जुलाई 2024 तक स्थगित कर दी है। यहाँ पर जो अडानी के वकील हैं वो अदालत के इस फैसले का विरोध कर रहे, क्या कहा उन्होंने जरा देखिए। कहा जा रहा है कि हालांकि एपीएससी जेडएल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर ठाकुर ने अदालत के निर्देशों पर आपत्ति जताई। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार एपीएससी जेडएल को लगभग 2 दशक पहले आवंटित भूमि को पुनः प्राप्त नहीं कर सकती है, इस तरह के निर्देश कंपनी के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे। इस पर अदालत ने एपीएससी जेड लिमिटेड से कहा कि अगर वह सरकार के फैसले को चुनौती देना चाहती है तो एक अलग याचिका दायर करे। कुल मिलाकर विवाद तो निपटा है लेकिन अडानी के वकील इस जमीन को आसानी से छोड़ने के मूड में नजर नहीं आते हैं, तो इंतजार करना पड़ेगा कि कौन सी बड़ी कार्रवाई होगी और गौतम अडानी को इसका कितना बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।